लोग क्या मिल रहा है, ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा है। दिखावा के लिए बहुत सुंदर सुंदर गैजेट्स हैं, आईफोन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कितना पहुंच गया, 12, 13 तक पहुंच गया ना, 12 पहुंच गया कम से कम, मुझे पता है। मेरे पास नहीं है ऐसा मत सोचना मेरे पास लेकिन मैं लेकिन मैं पूछता हूँ ना, तो इतना अपडेट करके बैठा है, बाहर का जो चीज है उसको सब अपडेट करके बड़ा सुंदर सुंदर बना के सजा के, है ना। हम लोग बुद्धू लोग है ना, बुद्धू लोग ज्यादा सोच नहीं, जो बाहर दिखाई देता उसी के पीछे हम लोग दौड़ते रहते, इसलिए दौड़ना पड़ रहा है। अंदर खोखला, दिमाग खोखला, मन खली, खली दिमाग शैतान का घर नहीं बोलता है। खली दिमाग और खली मन लेके घूम रहा है, जितना भी मेहनत गधे की तरह कम करके पैसा कमा के और बाहर की जितना चमकीला वस्तु है उसके पीछे सारा पैसा वहां दे देता है। फिर अपनी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ भी ठीक नहीं देखभाल कर रहा है, मन को तो छोड़ो बेचारा, मन कोई देखता ही नहीं आजकल, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है उसी के पीछे दौड़ रहा है हम लोग। तो इसके वजह से जितना भी दुनिया में तकलीफ सह रहा है आजकल, अनुभव कर रहा है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि मन काबू में नहीं है और बाहर की चीजें में दौड़ता रहता उसके पीछे। तो इसलिए हमें संक्षिप्त में एक बात हमारे खोपड़ी में डालना चाहिए, आना चाहिए, वो यह है कि अगर आपको सही माने में लंबे समय तक चलने वाला सुख और शांति चाहिए, मैं दोबारा आखिरी दिन में पूछ रहा हूँ तुमको, ठीक है ना, आपको चाहिए, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, 4 दिन की जिंदगी बोल करके छलांग मारो कोई बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन आपको सही माने में अगर आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए, तब अंदर जाके अपने मन को संभाल के, काबू में रह करके, क्लेश को दूर करके, अच्छे अच्छे जो गुण हैं उनको उत्पन्न करना, इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, शॉर्टकट नहीं है कहीं भी। तुम जितना भी अमीर हो जाए, बिल गेट को देखो, बिल गेट अभी तो नंबर वन में नहीं है, वो गिर गया थोड़ा, आपको पता होगा, लेकिन बहुत बड़ा, ये लोग ऐसे बिल गेट जैसे बहुत पैसे वाले हैं। ये कितना खाता है पता है आपको? जितना तुम खाते हो उतना ही खा सकता है, और क्या खाएगा? जितना तुम पहनता है वही पहनता है, और क्या पहनेगा? पेट तो एक ही है ना उनके पास, मुंह तो एक ही है ना, ठीक है ना। तो इसलिए सिर्फ पैसा होने से आदमी कुछ नहीं बदलता है, और अहंकार हो जाता है और ललची हो जाता है, दुनिया उसको उसके हाथ में मिलने से फिर भी भूखा रहता है। लद्दाख में भी ऐसे होगा, तिब्बत में ऐसे है, जो बड़े बड़े खानदान का है ना, जो हम लोग बोलते हैं एरिस्टोक्रेट, जब वो एरिस्टोक्रेट बन गया, बड़ा आदमी बन गया, तो खाना ज्यादा नहीं खा सकता वो लोग, ज्यादातर गर्म पानी पी के बैठता है, बोलता कि ये खाना हमसे ठीक नहीं लगता, ये खाना ये बहुत तेल ज्यादा है, ये वो हो गया बोलता है, नहीं खा सकता है, इज लॉ ऑफ नेचर। और जो सड़क पर काम कर रहे हैं, बोझ उठा रहे हैं हर प्रतिदिन, सब कुछ खा सकता है ये लोग। बाहर से देखने में उसका चमड़ा थोड़ा इतना सुंदर नहीं होगा, क्योंकि चमड़े में कुछ नहीं लगाता है, बड़े बड़े लोग शिक्षित लोग है, चमड़ा थोड़ा ठीक है बाहर, क्योंकि चमड़ा को ही सजाते हैं ना हम लोग, काला पीला रंग सब कुछ लगा के, अंदर कुछ नहीं, खाली है, ताकत कुछ भी नहीं है। आजकल का जो एकेडमिशियन या सो कॉल्ड एजुकेटेड पीपल, इनके पास कुछ भी नहीं, 2-3 मिनट काम करेगा, नीचे जाके कुछ उठाने के लिए कुछ करेगा, बस बोल गया मेरा हाथ टूट गया, पाँव मार गया, इतना कमजोर हो गया हम लोग, ठीक है ना। इसलिए शरीर को थोड़ा एक्सरसाइज करो, उससे ज्यादा मन का एक्सरसाइज। मन का एक्सरसाइज का मतलब है अपने मन को आगे बढ़ाने के लिए जितना क्षमता है उसको समझ करके पढ़ाई करो, अध्ययन करो। पढ़ाई करने का, अध्ययन करने का मतलब ही नहीं कि तुम एक जगह में बैठ जाओ 24 घंटा किताब में आंख लगा के बैठो, वो नहीं बोल रहे मैं,
किताबें पढ़ो, दूसरों से सुनो, प्रकृति का नियम को जांचो, हर चीज में प्रश्न पूछो, ये क्या है, कैसे हुआ, ठीक है ना। ऐसा करने से तुम सब कुछ आराम से सीख लेगा, रास्ते में भी सीखेगा, किसी से मिलने से भी सीखेगा। प्रश्न पूछो, ये क्या है, कहाँ से आया ये फूल, इस फूल का नाम क्या है, किस महीने में ये फूल उगता है, कितना गर्मी इसको होना चाहिए, कितना ठंड इसको होना चाहिए, कितना पानी इसको होना चाहिए। इस तरह के प्रश्न पूछ करके फिर क्या बन जाता है, साइंटिस्ट बन जाता है। हम लोग और साइंटिस्ट के बीच में फैसला क्या है, कुछ नहीं। हम लोग बारिश गिरेगा ना, हम लोग सब बोलेगा बारिश गिर गया बोलेगा, कोई प्रश्न नहीं पूछेगा कि बारिश कैसे गिरा, ओले गिरा तो कोई नहीं पूछेगा ओले कैसे गिरा, बारिश और ओले में क्या फर्क है, इसका तापमान कितना होना चाहिए, कोई नहीं पूछता है। इसलिए हम लोग साइंटिस्ट नहीं बन सकते, साइंटिस्ट भी तो छोड़ो, कुछ हम जानता ही नहीं, सिर्फ किताब थोड़ा पढ़ता है, पर अपना दिमाग तो इस्तेमाल करता ही नहीं। किताब जो हम पढ़ता है वो भी हम लोग रटा मरता है तोते की तरह, ठीक है ना। तो इसलिए ये नालंदा शिक्षा जिसकी चर्चा हम लोगों ने अभी तक किया है, नालंदा की शिक्षा मतलब दिमाग को इस्तेमाल करके जो प्रकृति का नियम है उसको जानो, उसको परखो, उसमें अध्ययन करो। तो ये जितना भी दुनिया है, प्रकृति का नियम है, ये एक खुली किताब है। पुराने जमाने में जैसे कि आप देखो बुद्धा या बड़े बड़े जो विद्वान है, क्लास में बैठ करके सब कुछ नहीं सीखा। सबसे बड़ा साइंटिस्ट आइंस्टाइन है, क्लास में ज्यादा नहीं जाता था, वो हर चीज का प्रश्न पूछता था। क्लास तो कई बार उसने क्लासेस से भागा और उसको निकाल भी दिया क्लासेस, उनका उनका जो आत्मा का था उसको अपार। बुद्ध भगवान ने भी जैसे हम लोग करते हैं ना, एक क्लास में बैठ के वो नहीं किया, वो गुरु है उनके पास, लेकिन जितना गुरु बोलता है उसको सुन के हाँ बोल के नहीं जाता था, प्रश्न पूछता है ऐसे क्यों है। तो अंत में उसने बोला कि बहुत सारा गुरु मिला, उनसे थोड़ा कुछ सीखा, लेकिन मेरा जो असली क्वेश्चन है, सवाल है, उसका जवाब किसी से नहीं मिला, फिर मैं खुद ढूंढूंगा बोल करके फिर बोध गया में जाकर के 6 साल तपस्या किया, सोचा, तब एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ। ऐसा थोड़ी होता है। तो इसलिए बुद्ध भगवान ने खुद कहा है कि जितना भी जो भगवान हुआ था पहले, ये लोग आप लोगों का जो पाप है वो नहीं धो सकता है, वो पानी में, पानी से नहीं धो सकता है। बुद्ध भगवान आके आपके सिर पर पानी डाला ऐसा नहीं धो जाता है, और आपके पास जितना भी दुख दर्द है वो उनका हाथ से ऐसे नहीं निकल सकता है, और उनके अंदर जितने भी ज्ञान है वो निकल के अपने खोपड़ी से निकल के हम लोगों की खोपड़ी में नहीं डाल सकता वो, फिर क्या कर सकता बुद्ध। बुद्ध भगवान आपको सिर्फ मार्गदर्शन कर सकता है, जैसे कि क्लास में जो क्लास टीचर है वो क्या करता है, आपको सिखाता है। सीखने के बाद तो होमवर्क आपने करना है, सोच आपने करना है, सोच विचार आपने करना है, उसका मतलब ठीक से जानना है, एक पंक्ति हो, एक शब्द हो, जो भी, उसको ठीक से समझना है। एक बार आप ऐसे इस तरह का जो अध्ययन करने का ढंग आप सीख जाएगा तो आपका जो नॉलेज है बिल्कुल आसन से दिन प्रतिदिन तो इतना आगे चलेगा कि उसमें कोई मुश्किल हो ही नहीं होगा। तो इसलिए ये हर चीज जो है बौद्ध धर्म से लेकर के हर प्रकृति के नियम जो है, इनके बारे में आपको क्यूरियोसिटी होना चाहिए, उत्सुकता होना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, तब जवाब मिलेगा। डाउट होना चाहिए, ये कैसे है बोल करके डाउट होना चाहिए। दुनिया में आजकल लड़ाई जितना भी हो रहा है इसलिए हो रहा है कि कहे सुने बात पर हम लोग दौड़ रहे हैं, ये प्रेसिडेंट ने बोला यही होगा बोल के सब इसके पीछे जाओ, सब कुछ तोड़ो फोड़ो बोलते, फिर सब बेकूफ लोग सब चलता है, फिर तोड़ता है, फिरता है, पता नहीं क्या कर रहा है। हमारा जो मन है वो लोपसाइटेड है, बायस्ड है,
ये मेरे रिश्तेदार ने बोला, पिताजी ने बोला इसलिए ये सही होगा, माता ने बोला इसलिए सही होगा। कोई नहीं जांच करता कि पिताजी ने ऐसे क्यों बोला, इसका मतलब क्या है, सही है कि गलत है। अगर गलत है तो बुद्ध भगवान ने कहा होगा तभी गलत है, तो उसको प्रश्न पूछने का अधिकार हम सभी लोगों को है। ये सिर्फ एक बौद्ध धर्म का खासियत नहीं है, जो भारत में जितना भी बड़े बड़े धर्म हैं इन सब को हम लोग बोलते हैं डायलॉग रिलीजन, वार्तालाप करने वाला रिलीजन है, आंख मूंद कर एक्सेप्ट करने वाला रिलीजन नहीं है। लेकिन आजकल बहुत बिगड़ गया हर चीज, इसलिए प्रश्न नहीं पूछते हैं और अंधविश्वास फैला रहा है। तो बिना सोचे समझे जाने किसी ने गुरु ने कैसे बोला, फिर उसके पीछे गया, बस मंदिर तोड़ दिया, मस्जिद तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, धर्म के नाम पर एक पागल का झुंड पैदा कर दिया। वो नहीं होना चाहिए, खास करके हम लोग जो बौद्ध धर्म का अनुयायी है, खास करके महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी है, खास करके जो नलिंदा शिक्षा का अनुयायी है, एक खासियत नलिंदा परंपरा का जो खासियत है वो है अपने मन के बारे में जानना और हर चीज को प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछ के सही उत्तर ढूंढना, ये है नलिंदा, ठीक है ना। तो इसलिए नलिंदा शिक्षा में शुरुआत में चार दृष्टि निमित्त मुद्राएं बोलते हैं कि फोर सील्स, सभी संस्कार अनित्य है, सभी सब धर्म दुख है, सभी धर्म शून्य व निरतमय युक्त है तथा निर्वाण ही शांत है, वो फोर सील्स हम लोग बोलते हैं। शुरू में वो भी प्रकृति का नियम है, उन्होंने वो बताया। उसके पीछे फिर टू ट्रू दो सत्य है, संवृत्ति सत्य और परम अर्थ सत्य, दो बताया है, ठीक है ना। और फिर फोर रिलायंसेस, जब आप बौद्ध धर्म के बारे में जानना चाहते हैं तो उस वक्त किसी गुरु से आपने सुनना है, तो सिर्फ गुरु का फेम नेम क्या है वो देख करके मत चलो। हम लोग ज्यादातर यही होता है, कोई गुरु जो है बड़ा सिंहासन पर बैठा है, सब कुछ दौड़ रहा है, फिर तुम भी दौड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा है कि जो सिंहासन बैठने वाला सब गलत है, ये नहीं बोल रहा है, मैं ये बोल रहा है कि सिर्फ बड़े सिंहासन में बैठने से वो गुरु बड़ा नहीं बन जाता है। तो मैं आपको ये बोल रहा है कि जहां सब कुछ दौड़ रहा है उसके पीछे तुम आंख बंद करके मत दौड़ो, ये मैं बोल रहा है। हम लोग यही करते, गुरु तो छोड़ो। मैंने कई बार देखा लोगों का जो चल चलन जो है, कभी बोलता है कि फलाने फलाने जगह में बहुत सस्ता कपड़ा बिक रहा है, तो सभी वहां दौड़ता है पीछे। आपको प्रश्न नहीं पूछता है कि मुझे वो कपड़ा, मुझे जैसे कि पतलून भेज रहा है तो मुझे वो पतलून चाहिए नहीं चाहिए, नहीं 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 पूछता है, सस्ता है बोल करके सब लोग लेता है। अभी कम से कम तुम सोचो कि सस्ता हो या ना हो, आपको चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है ना। इतना बुद्धू है हम लोग, खुद को चाहिए नहीं चाहिए हम लोग नहीं पूछते हैं। तो इसलिए तुम मॉल में जाओ, फिर बोलते हैं ना buy one get one free बोलते हैं ना, वो बोलने से तुम बेवकूफ लोग लेगा, ये बोल करके उसने लगाया वहाँ, बिल्कुल buy one free, तो फ्री होने से क्या है, आपको नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, तो हम लोग फिर बोलेगा एक तो फ्री है हमारे लिए, हम अपने लिए रख लेगा, दूसरा मेरे रिश्तेदार को देगा, ये बोल करके। शॉपिंग जाता है ना आप लोग बार बार, जैसे मॉल बड़े मॉल में, ठीक है ना, तो उधर भी सोचना चाहिए हर चीज को। तो इसलिए हम सभी बौद्ध धर्म में श्रद्धा रखने वाले हैं, तो श्रद्धा रखने वाले वो अंधविश्वास मत करो, श्रद्धा जो है वो रीजन पर बेस्ड, श्रद्धा क्यों रख रहा है बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में खासियत क्या है, उसे आपके जीवन में क्या मतलब मिलता है, क्या फायदा मिलता है, दूसरों के प्रति क्या फायदा मिलता है, वो दिखना चाहिए। तो इस हम सभी बौद्ध धर्म के में श्रद्धा रखने वाले हैं,
और ये सिर्फ इसी पुष्ट की बात नहीं है, अपितु सैकड़ों पुष्टों से ऐसी श्रद्धा करते आ रहे हैं। पुष्टों मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जैसे कि लद्दाख है, तिब्बत है, सिर्फ आपके जमाने में नहीं है, कई जनरेशन से आपके पिता, उसके पिता, उसके पिता वगैरह सब ने उसमें श्रद्धा किया, ठीक है ना। फिर भी सैकड़ों पुष्टों में ऐसी श्रद्धा करते आ रहे हैं, फिर भी उनमें से बहुत से लोगों ने बौद्ध धर्म क्या है इसकी जिज्ञासा तक नहीं की, क्यूरियोसिटी भी नहीं होता है। हम लोग बोलते हैं ऐसे आंख मूंद के चला, कुछ फेस्टिवल होगा तो उधर ड्रम बज रहा है, उसको देखा बंदर की तरह, क्वेश्चन पूछता ही नहीं हम लोग, ठीक है ना। तो जहां क्राउड है वहां क्राउड में ही जाता है ना हम लोग, क्राउड मेंटेलिटी को छोड़ो, ये क्राउड में जाने से नहीं मिलता है। इसलिए जैसे कि कोविड-19 का जो अनुभव एक्सपीरियंस एक ओर से तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अब अपना अकेला बैठने का थोड़ा कुछ आपको सीखने का मौका मिला, क्योंकि ज्यादातर तुम दूसरों के साथ है, अपने साथ नहीं है। शरीर लेके घूम रहा है लेकिन तुम अपने साथ नहीं है। अपने साथ मतलब अपने की जो फीलिंग्स है, सोच विचार है, उसके साथ। दूसरों के साथ ठीक से रहने के लिए पहले अपने आप के साथ रहना सीखना चाहिए। दूसरों से मदद मांगने से पहले सबसे पहले अपने आप को मदद करना चाहिए। हम लोग नहीं करता है, हम लोग नहीं करता है, ये करना चाहिए। मैंने एक और से मजाक करके, एक और से इसमें मेरा एक मतलब है, बार बार मैं बोलता हूँ कि जब कोई अपना मित्र मिलता है, फिर मिलने के बाद जब वो जाता है तो हम लोग बोलते हैं बाय टेक केयर, नहीं बोलते हैं, बोलता है ना बाय टेक केयर, बोलता है ना बाय आई विल टेक केयर, थोड़ी बोलता है, तुम खुद को संभालो नहीं बोलता है। यही तो है बौद्ध धर्म का उपदेश, बाय टेक केयर बोलता है बुद्ध भगवान, हमको बोल रहा है बाय टेक केयर, आई हैव शोन यू द पाथ टू निर्वाण, निर्वाण इज अप टू यू, मैंने निर्वाण का मार्ग रास्ता आपको दिखाया, निर्वाण प्राप्त हो या ना हो ये आपके हाथ में है। इसका मतलब है बाय टेक केयर। तो अपने आप को इतना देखभाल करना चाहिए, देखभाल मतलब सिर्फ शरीर को वो करना वो नहीं है, देखभाल मतलब सोच विचार बदल के, एक ऐसा ताकतशाली, एक ऐसा करुणाशील ताकत, यू नो, सोच विचार उत्पन्न करना है जिससे आपके उतर चढ़ाव जिंदगी में अब आसन से टूट ना जाए, अब आसन से थक ना जाए। अभी कोविड-19 के अनुभव के समय सब लोग बोलते हैं आई एम सॉरी, आई अभी मुझे डिप्रेशन हो रहा है, ये हो रहा है, अरे क्योंकि पहले आपने अपने अकेला बैठने का कभी सिखाई नहीं, तुमने दूसरों के साथ हाँ ही करके घुमा है, तो अभी आपको नहीं पता है कैसे रहना है, ठीक है ना, ठीक है ना। इस दुनिया में जब आया अकेला आया, दुनिया से जाएगा अकेला जाएगा, कोई साथी थोड़ी लेके जाएगा, तो बीच में क्या हंगामा, बीच में सीखना चाहिए अकेला कैसे रहना है। आपके अंदर का जो गुण है उनको उत्पन्न करो, जितना अंदर का गुण उत्पन्न करने से उतना तुम निखरेगा, फ्लावरिंग धर्मा बोलता है ना, फ्लावरिंग, फिर फ्लावरिंग होगा तब खिलेगा फूल। परम पवन दलाई लामा जी को देखो, 87-88 ईयर हो गया, फिर भी उनका जो चेहरा कितना मुस्कान है, दिमाग कितना तेज है, बाकी लोग 60-70 होने से फिर वो लड़खड़ाने लगता है, फिर मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, फिर स्टेबिलिटी खो जाता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। मैं जब डलहौजी में, जब छोटी उम्र में डलहौजी में स्कूल में पढ़ता था, तो मेरे पड़ोसी एक पुलिस स्टेशन था वहाँ, तो एक दिन उन्होंने हमको ऐसे, हम लोग बात कर रहा था, तो उन्होंने एक इंसिडेंट्स बताया,
कि एक बड़ा पुलिस था, उसने अपने छोटे जो पुलिस है नीचे वाला उससे पूछा, कुछ कुछ समझाया उसको। समझाने के बाद बोला कि सब कुछ समझा, तो उन्होंने बोला जी हाँ सब कुछ समझा। फिर दोबारा उसने पूछा कि क्या समझा, तो उसने जवाब दिया सर सर सब कुछ भी नहीं समझा। ऐसा तो नहीं है ना, जो मैं बोला उसको सब कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जो 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 तुम दिमाग में ठीक लग रहा है उसको पकड़ के रखो, उसके अपने जिंदगी में ले, तब फायदा होगा। सोच विचार ठीक से नहीं होने से, थोड़ा सा कुछ होने से भी बीमार हो जाता है, दुख हो जाता है, निराशा हो जाता है। सोच विचार ठीक होने से जिंदगी में कितना भी तूफान क्यों ना आए, आपका जो हिम्मत है, ताकत है अंदर का जो, वो नहीं हिलेगा, ऐसा होना चाहिए। उसके बाद लॉन्ग फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस ऑफकोर्स निर्वाण एनलाइटनमेंट, ये सारे बड़े बड़े जो गुण है उनके प्राप्ति के लिए हम लोग कर रहे हैं, लेकिन वो इतना आसान से मिलने वाला नहीं है। तो इसके पहले उधर पहुंचने के लिए कदम अभी से चलना चाहिए ना। तो इसी जिंदगी में आपके सोच विचार ठीक होने से आपका जिंदगी में शांति होगा, सुख होगा, दूसरों को भी आप शांति फैला सकता है, सुख फैला सकता है। पैसा बांटने से नहीं, गुण बांटने से, शांति बांटने से, मुस्कुराहट बांटने से, ठीक है ना। सो लेट अस स्प्रेड कंपैशन, लेट अस स्प्रेड लव, लेट अस स्प्रेड विजडम, देन देयर विल बी पीस एंड हैप्पीनेस, ठीक है ना। तो इसलिए जैसे कि परम पावन जी ने बोला है कि ज्यादातर हम लोग जो अपने आप को बौद्ध धर्म के अनुयायी मानते हैं, बौद्ध धर्म के प्रति हम लोग जिज्ञासा भी नहीं होता है, क्वेश्चन भी नहीं होता है, ठीक है ना। हम लोग तो बस अंग मुंद के मंत्र पढ़ रहा है, मंदिर के पीछे घूम रहा है। फॉरेनर्स जो आता है ना, वो अपने आप को बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं मानता है, लेकिन वो तुरंत पूछता है कि ये लोग मंदिर की पीछे पागल की तरह क्यों चक्कर काट रहा है। फिर उसका जवाब आपके पास होना चाहिए, सिर्फ इनको जवाब देने के लिए नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्यों 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 चक्कर कर रहा है मंदिर के पीछे, बार बार क्यों घूम रहा है, घूमने से चक्कर आ जाएगा ना, नहीं घूमना चाहिए ना, नहीं तो घूमना मंदिर को चक्कर करने से मतलब क्या है हा? और अपने घर में हम लोग बुद्ध भगवान का मूर्ति रखता है, पोथी रखता है, मतलब क्या है इसमें। हम लोग छुमे बटर लैम हम लोग ऑफर करते हैं, योनचप ऑफर करते हैं, मतलब क्या है, ये सब आप लोग प्रश्न पूछना चाहिए, जानना चाहिए सब। तो इससे भरा जो है, जो गुण है अलग अलग, जैसे कि बोधिचित मैंने आपको बताया, विजडम अंडरस्टैंडिंग शून्यता बताया, करुणा बताया, सहनशीलता बताया, इन सब को, इन सब के बारे में आपको जानना चाहिए। इन सब के बारे में जान करके इनके गुण जो है उसको आपको पता होने से फिर आपको ये सोचने लगेगा कि ये तो मुझे जरूर चाहिए। जैसे कि आईफोन 12 देख लिया, आईफोन 12 देख दिया, उसमें क्या एप्लीकेशन दे करके, ये तो मुझे जरूर चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं, बोलते ना जरूर चाहिए बोलते हैं। इसी तरह जितना भी ये गुण है, करुणा है, मैत्री है, बुद्धिचित्त, इनके गुण जाने से अपना आप इनके प्रति तुम जाना शुरू कर देगा। हम लोग जानता नहीं है ना कितना कितना गुण है। बुद्ध भगवान ने खुद कहा था कि आपके पास एक गुण होने से भी सारा दोष आपका खत्म हो जाएगा। ये कौन सा गुण है? महाकरुणा, ठीक है ना। तो इसलिए कई लोगों की बदकिस्मत से कई लोगों को इसकी जिज्ञासा तक नहीं है, या फिर जिज्ञासा होने से भी गंभीरता पूर्वक विचार मंथन या अध्ययन ना कर, फिर गंभीर सीरियस होकर के कुछ दिन के लिए थोड़ा इंटरेस्ट लिया,
जैसे कि अभी सेशन चल रहा है, थोड़ा कुछ इंटरेस्ट ले रहे हो, ये भी ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा आप नहीं पहुँचेगा। अब इसके बाद लगातार आपने किताब पढ़ना चाहिए, गुरुओं से, जिसके गुरु हो या ना हो, जिसके पास ज्ञान है उनसे सीखना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। साइंटिस्ट लोग आजकल दुनिया के बारे में क्या बोल रहे हैं, प्रकृति के नियम के बारे में क्या बोल रहे हैं, हाँ उसी विषय में बुद्ध धर्म क्या बोल रहा है, ये सब आप प्रश्न पूछना चाहिए, ठीक है ना। तो ज्यादातर हम लोग थोड़ा कुछ जिज्ञासा होता है, इंटरेस्ट होता है, लेकिन गंभीरता पूर्वक विचार मंथन नहीं करता हम लोग। थोड़ा गंभीर होकर के विचार मंथन नहीं करने से दिमाग में थोड़ी आएगा, ठीक है ना। क्योंकि सदियों से इन विषयों में हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया, इसलिए ये कठिन लग रहा है शुरुआत में, ठीक है ना। तो ये हम लोग नहीं कर रहे हैं, और इसके इसके अलावा जो आसान है वही करता है। आसान क्या है? मंत्र का जप करना, पूजा पाठ करना, वंदना करना, परिक्रमा एवं गण चक्र पूजा में अपनी परंपरा या संस्कृति मनकर पुश दर पुश जनरेशन आफ्टर जनरेशन ऐसा करते चले आ रहे हैं। फिर तरक्की कहाँ होगा? इस जिंदगी में भी तरक्की नहीं होगा, दूसरी जिंदगी में तो कहाँ होगा, ठीक है ना। बौद्ध धर्म का जो संदेश है उसको ठीक से अपनाने से सिर्फ आपका परिवर्तन नहीं होगा, आपका फैमिली परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन मतलब सिर्फ सोच विचार नहीं, सोच विचार के परिवर्तन होने से आपका जो कम करने का ढंग है, दैनिक जीवन में कम करने का ढंग है, दूसरों को फायदा पहुंचाने का ढंग है, सोच विचार ठीक होने से आपका मेटेरियल प्रोग्रेस भी हो जाएगा बिल्कुल आराम से। अभी मुझे कोई देख लो, मैं बिजनेस में कभी भी नहीं गया, जा भी नहीं सकता क्योंकि ये कपड़ा पहन रखा है, ठीक है ना। तो लेकिन ये बौद्ध धर्म पर के ऐसा विचार में आता है, कई लोग बिजनेस कर रहे थे, मुझे हंसी आता है, बेचारा ये बिजनेस कैसे कर रहा है, अगर मैं ये करता तो मैं इससे कई गुना में इसे अच्छा कर सकता, ऐसे सोच विचार में आता है मेरा। क्योंकि आपका सोच विचार बढ़ जाने से हर चीज में कामयाब होगा, हर चीज में कामयाब होना चाहिए। कामयाब मतलब जब हम सुख और शांति के लिए बोल रहे हैं, तो सुख शांति आपको शरीर को मिलना है और मन को भी मिलना, दोनों को मिलना है ना, दोनों को मिलना है ना। तो इसलिए ये हमारा इंडियन स्पिरिचुअलिटी में और बौद्ध धर्म में भी है, चार वर्ग हम लोग जो बोलते हैं, फुनसोक देशी बोलते हैं, चार वर्ग मतलब है धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष। इसको बोलते हैं चार वर्ग, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष। मतलब इस जीवन के लिए अर्थ होना चाहिए, अर्थ मतलब मटेरियल गुड्स, पोजेशंस, वेल्थ होना चाहिए। क्योंकि मटेरियल वेल्थ होने से आपको संतुष्टि मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ यहाँ काम, काम का मतलब है थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो इस जीवन में तुमको मटेरियल प्रोस्पेरिटी होना चाहिए, उसे आपको संतोष मिल सकता है। ये तो इस जीवन के लिए हुआ, लेकिन बाकी जो जीवन आने वाला है इन सब के लिए सिर्फ सिर्फ अर्थ होने से काम नहीं चलता, इसलिए धर्म होना चाहिए। अपने मन को सही दिशा में परिवर्तन करना चाहिए, धर्म होने से फिर निर्वाण का रास्ता आपको मिलेगा, बुद्ध तत्व का रास्ता आपको मिलेगा। तो इस जीवन के लिए भी ये दो तीन ये चार जो वर्ग है उसको अपनाने से, इन इंडिया दे कॉल इट फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी बोलता है, इन चार जो चार है इसको बोलते हैं फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, और फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज भी बोलता है इसको, ठीक है ना। तो इसलिए आपका जो शारीरिक तौर पर या फिजिकल लेवल में भी सोच विचार ठीक होने से जितना भी मुश्किलें आपको आपके सामने आएंगी उसका समाधान अब आराम से मिलेगा। सोच विचार ठीक नहीं होने से आपके पास जितना भी धन दौलत हो, जितना भी रिश्तेदार हो,
रिश्तेदार रोज आपके साथ नहीं बैठेगा, कभी अमेरिका में चले जाएगा, कभी इंग्लैंड में चले जाएगा, कभी दूसरे दुनिया में चले जाएगा। चले जाता है ना, नहीं जाता है। और वेल्थ भी है आपके पास, बहुत बड़ा वेल्थ होगा। अब सोचेगा मेरे पास अभी पैसा है, मकान भी ठीक से बन गया, इसमें इस आलीशान मकान में आप मजे से रहेगा, सोचता है, ऐसे सोचता है। लेकिन कभी आप ऐसी चीज जिंदगी में आ जाता है जो आप सोच भी नहीं सकता है, जैसे कि लद्दाख में फ्लड हुआ, लेह में फ्लड हुआ था ना कुछ साल पहले, हम लोगों के विचार में सोच भी नहीं सकता लद्दाख जैसे इतना ऊंची पर्वत पर फ्लड हो गया बोल करके हम लोग तो चक्कर आ गए, कैसे हो गया। वहां हुआ था ना क्लाउड बर्स्टिंग का, 2010 में हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, कई लोगों बेचारा मर गया था, कई लोगों का प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गया था, सब कुछ हो सकता है। तो इस वक्त क्या करेगा आप, सिर्फ खाली दिमाग लेके आप बैठा है तो फिर क्या करेगा आप। तो इस तरह का जो उतर चढ़ाव जिंदगी में, हमारा सोच इतना दृढ़ संकल्प, इतना सही सोच विचार होना चाहिए कि एक पर्वत के जैसा कोई आपको हिल ना सके। ये होता है, सिर्फ कहने के लिए नहीं बोल रहे, होता है, मैंने देखा है कई लोगों, मैंने नमूना भी दिया था आपको पिछले बार, जैसे कि तिब्बती जो कैदी है 17-20 साल तक कैद में रहा है, फिर बाहर में आ गया ठीक ठाक, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कैद में, इतना टॉर्चर हुआ, इतना मुश्किल इन्होंने अनुभव किया। कई अंग्रेज जो जर्नलिस्ट है न्यूज़पेपर वाला, उन लोगों ने, कई लोगों ने मुझे को खुद बताया, बोलता कि ये लोग तो ऐसा नहीं लग रहा कि वो प्रिजन में रहा है, उसका सोच विचार बिल्कुल ठीक है। रेजिलेंस बोलता है ना आजकल, रेजिलेंस बहुत ज्यादा बोलता है ना, रेजिलेंस इतना स्ट्रांग हो जाता है। और अब तपस्या करने वाला जो गुरु लोग को देखो, जानबूझ कर, कोई इसको फोर्स करके नहीं जाता, जानबूझ करके वो एकांत में जंगल में या पर्वत पर चले जाता है विथ वेरी लिमिटेड रिसोर्स। तो मन का ठान लेने से सब कुछ हो सकता है, सब कुछ, जितना भी हम लोग जादू बोलते हैं, चमत्कार बोलते हैं, सब कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके अलावा आपको कोई शॉर्टकट नहीं है, अगर शॉर्टकट होता तो ठीक है, शॉर्टकट आधुनिक समय में ड्यूरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगर लंबे समय तक चलने वाला सुख और शांति के लिए कुछ शॉर्ट मार्क, शॉर्ट रास्ता है, शॉर्टकट है, अब कोई इसको मना नहीं करेगा, इसको शॉर्टकट पर चलो, ऐसा शॉर्टकट नहीं है, कुछ भी नहीं शॉर्टकट है। आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्लोनिंग वगैरह बहुत सारा चर्चा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि सदा तक चलने वाला सुख और शांति के लिए कुछ उपाय ढूंढ रहा हो, ऐसा नहीं लग रहा है। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि इसलिए जैसे कि विषय रखा है इस बार कि श्री नलिंदा के सत्र पंडितों की स्तुति जो परम पवन दलाई लामा जी ने लिखा है, कि इसके अंत में परम पवन जी ने कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखा है, जहां परम पवन जी ने कहा है कि आधुनिक युग में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, ये ठीक से मैं नहीं बोल रहा है, वो टेक्नोलॉजी बोल रहा है प्रौद्योगिकी के चरम विकास के चकाचौंध से दुनिया के लोग प्रलोभित एवं भ्रमित हो रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना तरक्की किया कि हम सोच भी नहीं सकते आजकल क्या क्या करके बैठे हैं। ऐसे समय में बौद्ध धर्म के अनुयायियों को बौद्ध धर्म के स्वरूप और समाज स्वरूप को समझकर उसमें श्रद्धा करना अत्यंत आवश्यक है। बौद्ध धर्म के स्वरूप को समझकर बौद्ध धर्म का ढांचा क्या है, उसका मेन फीचर्स क्या है। जैसे कि हम लोग किताब पढ़ते हैं ना, तो पहले कंटेंट देखता है ना, कंटेंट इंडेक्स देखता है ना, चैप्टर कितना चैप्टर है, हर चैप्टर में क्या क्या है। इसी तरह बौद्ध धर्म का ढांचा क्या है,
रूपरेखा क्या है वो जानना चाहिए। उसके बाद फिर हर चैप्टर को थोड़ा गहराई में से जा करके फिर अध्ययन करना। जब दिमाग में थोड़ा आ गया तो उसको जीवन में उतर के प्रयास करना, तब आप खुद को भी इसका फायदा मिलेगा और लोग दूसरे लोगों को भी आप मदद कर सकेगा। तो इसलिए जब भी परम पावन जी बौद्ध धर्म के बारे में उपदेश देता है, परम पावन जी बोला करता है कि जब भी हम बौद्ध धर्म के बारे में हम अध्ययन करें, उसमें हमें विचार कर, परीक्षण कर, विश्लेषण करना चाहिए। एंड दिस इज द साइंटिस्ट वे। कई लोग बोलते हैं ना बुद्धिज्म इज देयर एनी रिलेशन, कुछ संबंध है बुद्धिज्म और साइंस में। संबंध है, जो साइंस कर रहा है, साइंस किसी ने कुछ आविष्कार किया, खोजा, फिर दूसरे ने देखा ये ठीक है नहीं है, वही तो हम लोग कर रहे हैं। जो बुद्ध भगवान ने बोला वो ठीक है नहीं है, नागार्जुन ने देखा वो ठीक है नहीं है, चंद्रकृति ने देखा वो ठीक है नहीं है, शांति देवा ने देखा, और आज हम लोग देख रहे हैं, वो देखना चाहिए, देखना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए विशेषकर वैज्ञानिक दृष्टि की तरह, परम पावन जी ने लिखा है ना यहाँ, विशेषकर वैज्ञानिक दृष्टि की तरह वस्तु की वास्तविकता को, रियलिटी, वस्तु की जो रियल नेचर है, वास्तविकता को तुरंत विश्वास ना कर, देखो तुरंत विश्वास ना कर, बौद्ध धर्म का जो गहरा विषय है शून्यता वगैरह इनको तो छोड़ो पहले। अपने दैनिक जीवन में अपने किसी को शादी करना है तो तुरंत फैसला करता है क्या? सच पंडित बहुत बड़ा महापंडित हुआ, उसने बोला कि जब हम लोग छोटा बिजनेस, बहुत छोटा बिजनेस, कोई गोरा बेच रहा है, गोरा ले रहा है, उसमें भी बहुत जांच पड़ताल करना पड़ता है कि गोरे की उम्र क्या है, दांत कैसे है। तो इसे छोटे छोटे वस्तु को भी हमने इतना जांच करना है। तो बहुत बहुत धर्म जैसे इतना अमूल्य जो धर्म है, इनके प्रति तो बिल्कुल विश्लेषण करना चाहिए, जांचना चाहिए, ठीक है ना। तुरंत विश्वास ना कर, परीक्षण करके युक्ति संगत, विथ रीजन, विथ लॉजिक, युक्ति संगत होने पर फिर स्वीकार करना चाहिए। जैसे कि हम लोग अपने आप को मानते हैं कि बौद्ध धर्म का अनुयायी है, क्यों है तुम? अब इसका उत्तर आप बोलेंगे कि क्योंकि मेरा पेरेंट्स फॉलो कर रहा है, तो ये ठीक नहीं है। तो अपने ओर से आपको एक ऐसे जवाब मिल देना चाहिए कि इसलिए मैं फॉलो कर रहा हूँ कि क्योंकि बौद्ध धर्म में ये विशेषता है, ये गुण है, ये पता होना चाहिए। तो इसलिए बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा मकसद ये है कि हमारे अंदर विवेकशीलता उत्पन्न करने, विवेकशीलता। अगर बुद्ध भगवान का जो शब्द हम लोग बोलते हैं ना, बुद्ध, बुद्ध मतलब somebody who is awake, awake मतलब हर चीज में वो ध्यान दे रहा है, जिज्ञासु है हर चीज में, ये क्या है, ये कैसे हुआ, कहाँ से आया, हमारे में वो नहीं चलता है, हम लोग तुरंत भूल जाते हैं, तुरंत फिर भीड़ में हम लोग, भीड़ जहां दौड़ रहा है वहां दौड़ रहा है। ठीक है ना। तो इसलिए बिना युक्ति के या बिना समझे व्यावहारिक या कल्याणकारी ना हो तब तक संदेह करना चाहिए, तब तक, until you are very clear that this is logical, this is reasonable, there is a need to show compassion. Unless you are very clear about that, until to that point, you should keep on asking questions. ऐसा करना युक्ति संगत है, विवेकशीलता है, जो इसलिए तो मैं बोल रहा था, विवेक शब्द जो आया था तब मैं बोल रहा था कि बुद्ध भगवान, बुद्ध मतलब somebody who is awake, awake मतलब ये मैं परम पवन जी को मैंने देखा कई बार, परम पावन जी का मेन जो कार्य है वो बौद्ध धर्म समझाना, जो अपने का विजडम है इनके बारे में बोलना,
लेकिन अगर कोई इसको वीडियो कैमरा कोई खींचने वाला आया, फोटोग्राफ खींचने फोटो खींचने वाला आया, तो सबसे पहले गुरु जी बोलते हैं कि ये आपका कैमरा का जो ढक्कन है वो बंद है, इसको खोलो। जहां लोग उनको मिलने जाता है वहां कमरे में बहुत सारा स्विच है, फैन के लिए, लाइट के लिए। तो ज्यादातर हम लोग काम करने वाला वहां है, कभी वो फैन ऑन करो, स्विच ऑन करो बोलते हैं, फिर हम लोग सारा स्विच ठक 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 करके बोलते हैं, पता नहीं कौन सा स्विच क्या है। लेकिन परम पवन जी तुरंत बोलते हैं, ये नहीं 3 नंबर वाला है, क्या कर रहा है, फैन जो है वो 2 नंबर वाला है, लाइट है 3 नंबर वाला, जो भी ठास बोल देता है, क्योंकि उनको सब कुछ। अभी हाल ही में एक खुशखबरी है, हाल ही में 2 किताब छपा हम लोगों ने, खास करके परम पवन जी के सेक्रेटरी लोबसांग जिम्बा ने लिखा है। अभी वो रिटायर हो गया, अमेरिका में गया। पवन परम पवन का काम करने का ढंग, सोच विचार का ढंग, बहुत बड़ा जो चमत्कार उन्होंने अपने जीवन में किया, इस सारा छोटे शब्द में लिखा हुआ है, 2 किताब हम लोगों ने छपा। तो इसमें ऐसी कई चीजें उन्होंने लिखा कि जो हम लोग ऑर्डिनरी पर्सन नहीं कर सकते। जैसे कि एक बार अरुणाचल में, शायद अरुणाचल में है, गुरु जी वहां गया तो एक एक आदमी मिला वहां। फिर गुरु जी ने गौर से देखा, बोलते क्या तुम 30 साल, 30 साल शायद 30 साल है, मैं ठीक से याद नहीं है, 30 साल पहले भी तुमको मिला था ना। इतना उनका याददाश्त देखो। फिर जब परम पवन जी तिब्बत से जब बॉर्डर एरिया में आ रहा था, उस वक्त वो गुरु जी को मदद कर रहा था, वो शख्स निकला। हम लोग तो कल क्या किया, परसों क्या किया, कुछ भी याद नहीं रहता है। एक तो हम गुरु जी से तुलना नहीं कर सकता, हम लोग बिल्कुल बिल्कुल ऑर्डिनरी पर्सन है, गुरु जी इज डिफरेंट पर्सन। बट दूसरा, सिर्फ डिफरेंट पर्सन होने से कि नहीं है, हम लोग किसी चीज पर ध्यान नहीं देता, हम लोग किसी चीज पर ठीक से विवेकशीलता नहीं, ध्यान नहीं देता, इसलिए किसी चीज पर हम लोग एंजॉयमेंट भी नहीं कर सकता है। अगर लाइफ में किसी चीज को अब एंजॉय करना है तो किसी हर चीज में लीन हो जाओ, जो जो नहीं करना चाहिए उसको मत करो, जो करना चाहिए उसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, उत्सुकता होना चाहिए, उसी में खो जाना चाहिए। जैसे कि बच्चे देखो, बच्चे छोटे बच्चे 4, 5, 6, 7 वाला जो 6 साल का जो लड़का लड़की है, उनको आप एक टूटा हुआ खिलौना देने से भी उस खिलौने को इतना खुश होकर के वो लोग खेलेगा कि उसी में वो खो जाता है, उसी उसी के ऊपर लड़ता भी है, उसी के ऊपर खो जाता है, हाँ ही करके बिल्कुल संतोष हो जाता है। अभी हम लोग देखो, बीए कर लिया, एमए कर लिया, प्रोफेसर है, लेकिन मुंह लटका हुआ बैठा है। पैसा कितने भी हो जाए फिर भी संतोष नहीं है, कितने भी अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाए फिर भी इतना संतोष नहीं है, मुंह लटका हुआ बैठका हुआ है। क्योंकि बिकॉज वी आर नॉट इन वट एवर इज देयर। जब आपके पास वो इंटरेस्ट नहीं है तो हर चीज में तुम मजा नहीं ले सकता। जो इसलिए बौद्ध धर्म के प्रति में भी आपको उत्सुकता होना चाहिए, जागरूकता होना चाहिए, विवेकशीलता होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, खुशी खुशी से उसमें जाना चाहिए, तब मजा आ जाता है। फिर आपको बौद्ध धर्म का प्रयास करो, अध्ययन करो, बोलने का जरूरत भी नहीं है, अपने ओर से आपके पास वो उत्सुकता नहीं है, दिलचस्पी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, फिर गधे की तरह आपके पीछे धकेलने से भी 2 कदम आगे जाएगा, 1 कदम फिर वापस आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हमारा स्थिति क्या है कि हम लोग बुरा करने में, पाप करने में, इट्स लाइक अ बोल्डर थ्रोन फ्रॉम द स्टीप स्लोप ऑफ अ माउंटेन। एक माउंटेन के चराई के नीचे एक बहुत बड़ा पत्थर नीचे ऊपर से फेंकने से तुरंत नीचे चले जाएगा, जोर से चले जाएगा नीचे, है ना। उसी तरह करता है हम लोग बुरा करने में, कोई कुछ को आपको बोलने का जरूरत है तुरंत उसमें चले जाता है, सब लोग भीड़ लग जाता है वहां, भीड़ लग जाता है वहां, कोई कुछ नाच गाना है ये है बोलकर सब वहां अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके सब वहां पहुंच जाता है। धर्म का कुछ है बोलने से फिर कपड़ा भी अच्छा ठीक से नहीं पहनेगा, बाल भी ठीक से नहीं बनेगा, धीरे धीरे चलेगा,
गुरु वहां पहुंच के 10-15 मिनट हो गया, कई लोगों के लिए तो आधा घंटा हो गया था, वह धीरे धीरे से चलता है क्योंकि आपके पास इतना इंटरेस्ट नहीं है। कुछ कदम पहले पहुंचना चाहिए, कुछ मिनट पहले पहुंचना चाहिए गुरु से पहले। भविष्य में आपका कोई धर्म का मौका मिला तो अपना सोचना चाहिए कि मुझे इस तरह का एक खास मनुष्य का जन्म मिला, हमको इतना बड़ा सिर हमको मिला है सोच विचार करने का। तो इसलिए हमारा ये बड़ा सिर है, ये मन का शक्ति है, अद्भुत शक्ति है, इसको इस्तेमाल करके बुद्धता प्राप्त करना है, करुणा उत्पन्न करना चाहिए, बुद्धिचित्त उत्पन्न करना है, शून्यता को जानने वाला प्रजा जो है उसको उत्पन्न करना चाहिए। इस तरह का सोच विचार करके उसमें प्रयास करना चाहिए, ठीक है ना। जो जानवर करता है उसके पीछे हम लोग बोलते हैं, जो जानवर करता है उसी तरह हम लोग। जानवर क्या करते हैं, ज्यादातर धर्म थोड़ी पढ़ सकता है, जानवर नहीं पढ़ सकता है ना। जानवर क्या करना है, जैसे कि शेर है, सिंह है या स्नेक है, वो क्या करता है, ज्यादा कम नहीं है उनके पास, भूख लग गया तो दूसरे पर छलांग मार करके किसी को मार के खाना, सांप हो या शेर हो या सिंह हो या जो भी है, और मेटिंग विद द मेल एंड फीमेल, और फिर इनके लिए लड़ना, दूसरे को मरना, वही हम लोग सीख रहे हैं। इतना बड़ा दिमाग लेकर के, इतना बड़ा ब्रेन लेकर के, अच्छे सोच विचार के प्रति हम लोग परिश्रम नहीं कर रहे हैं, लड़ने के लिए कर रहा है सब कुछ, लड़ने के लिए हम लोग जानवर से भी खराब है। जानवर अपने शरीर ताकत जो है वही लगा के पंजा मार के वो जो भी करना है वो करके लड़ता है, हम लोग दिमाग इस्तेमाल करके बहुत डरावना हथियार बना के मर रहा है, जानवर से भी बुरा हो। हम लोग जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है। तो इसलिए इस अमूल्य मनुष्य का जो जीवन है, जिसको हम पुरुष बोलते हैं, तो इसलिए हमको पुरुष अर्थ निकलना चाहिए। जैसे कि मैंने 4 वर्ग जो पहले बोला था, पुरुष अर्थ, पुरुष अर्थ मतलब है, पुरुष का मतलब है जिसमें कुछ करने का क्षमता हो। कुछ करने का मतलब बुराई के लिए नहीं, अच्छे काम करने के लिए एबिलिटी हो, क्षमता हो, ठीक है ना। तो इस तरह का जो खास जो क्षमता है हमारे पास, इसको हमने सही दिशा में लेना चाहिए, ठीक है ना। विंशति सहस्रिक पंचपरमिता, जिसको हम लोग नीति बोलते हैं, नीति बहुत बड़ा मोटा किताब है, 20,000 verses परफेक्शन सूत्र बोलता है, जिसको हम विषमति सहस्रिक पंचपरमिता। इस ग्रंथ में परोक्ष अर्थ अभी समय और प्रत्यक्ष निर्देश शून्यता का वर्णन है, बार बार शून्यता के बारे में बोलता है। तो इस किताब ने जो बुद्ध भगवान का सूत्र है, इसमें बार बार आपको पढ़ने को मिलेगा कि वह ऐसा क्यों। इस वाक्य का अनेक बार आवर्ती हुआ है। इसका अभिप्राय यह है कि इसका क्या कारण है, यह प्रश्न पूछ रहा है।
तो प्रश्न पूछने के लिए हम लोगों को उपदेश दे रहा है। धर्म के भगवान ने, बुद्ध भगवान ने धर्म के एक एक विधि विधान को, विधान विधान को कहते समय उसका युक्ति एवं कारण दिया है। विशेषकर शून्यता का प्रतिपादन करते समय विभिन्न घाट पट आदि धर्मियों का आश्रय लेते हुए उपदेश किया है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता चुका है, बुद्ध भगवान ने खुद कहा है कि भिक्षुओं, मेरे वचनों को इसलिए ग्रहण मत करो कि ये मैंने कहा है, अपितु भली प्रकार से परीक्षा करके ही ग्रहण करो। जैसे सुनर गोल्डस्मिथ सुनर स्वर्ण को परीक्षा जलाकर तपाकर कटकर और निकष कसौटी पर रगड़ कर करते हैं, उसी तरह इसलिए परीक्षा करके ही स्वीकार करना चाहिए, ना कि बुद्ध ने कहा है। इस कारण श्रद्धा के कारण विश्वास मत करो, ऐसा स्वयं भगवान ने खुद कहा है। तो इसलिए कई लोग आज बोलता है कि बुद्ध भगवान अभी तक जितना भी साइंटिस्ट हुआ है, आया है दुनिया में, इनमें से सबसे बड़ा साइंटिस्ट बुद्ध भगवान है, किसी ने लिखा है, मैंने पढ़ा एक किताब में। तो उन्होंने ये इसलिए कहा है कि आजकल का जो साइंटिस्ट है वो बाहर एक जो मेटेरियल चीज है उसमें जांच पड़ताल कर रहा है, मनुष्य का दुख जो है वो जड़ से निकलने के लिए जांच पड़ताल कोई नहीं कर रहा है। लेकिन बुद्ध भगवान ने जो जांच पड़ताल किया, जो विश्लेषण किया, वो मनुष्य को, सिर्फ मनुष्य नहीं, संसद जो सत्व है, इनको सदी तक चलने वाला सुख कैसे प्राप्त हो और दुख को जड़ से कैसे काटना है, ये उन्होंने खोज करके हमारे सामने रख दिया है। तो ये हमारे बहुत बड़ा किस्मत है कि ये हमारे सामने है, सब कुछ मार्गदर्शन किया हुआ है, हमने उसका सिर्फ अनुयायी करना है। नया कोई विशेष कर नहीं करना है, जो नया आविष्कार नहीं करना है हम लोगों ने, इसका अनुयायी करना है, सही मन से, सही ढंग से, खुशी खुशी से इसका अनुयायी करना है। हम लोग ये भी नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो सोने जैसे जो मौका अब हम लोगों को मिला है, इस अवसर को नहीं खोना चाहिए। दूसरों को मदद करना, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, किसी को हानि नहीं पहुंचाना, ऐसा जीवन जीने से जीवन का मतलब निकल जाता है। खुशी का स्रोत इसी में है, शांति का स्रोत इसी में है। ठीक है ना? तो इसलिए श्री नालंदा के आचार्य नागार्जुन से लेकर सिद्ध आचार्यों तक सभी ने प्राय भली प्रकार से शस्त्र अर्थ कर अपनाया है। ये आचार्य त्रितिकों के साथ शस्त्र अर्थ करते थे। शस्त्र अर्थ करने का तात्पर्य है विश्लेषण करना, परीक्षा करना। यदि बिना शस्त्र अर्थ, बिना परीक्षण के बौद्ध धर्म का अनुशीलन करना होता तो वे आचार्य शास्त्र तर्क वितर्क नहीं करते। अगर श्रद्धा से ही काम चल जाता तो क्यों करना ऐसा? परंतु भगवान ने अभिप्रायों को स्पष्ट करने में बौद्धों में परस्पर भी विवाद है।
इस प्रकार शास्त्र शास्त्र अर्थ से चित्त में हृदय की सीधी में दृढ़ता पैदा होती है। आजकल कभी कभी धर्म के नाम पर लेकर एक दूसरे से झगड़ा हो रहा है। उस वक्त जो पंडित नागार्जुना जैसे चंद्रकृति जैसे जो विद्वान है वो लोग अपने नाम के लिए कभी भी तर्क नहीं करता था। दर्शन के लिए सही मार्ग को ढूंढने के लिए बार बार तर्क वितर्क करता था। आजकल एक दूसरे के नाम पर फिर वेल्थ पर राजनीति पर बदकिस्मत से लगता है। तो इसलिए निष्पक्ष होकर सही मार्ग को ढूंढने के लिए निष्पक्ष होना चाहिए, अनबायस्ड, किसी के साइड में नहीं लेना चाहिए। सिर्फ धर्म के प्रयास में नहीं बोल रहे हैं, अपने जिंदगी में हमेशा इफ यू वांट टू बिकम अ ऑनेस्ट, मैं ऑनेस्ट हूं बोलने से ऑनेस्ट थोड़ी हो जाता है। इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म इफ यू वांट टू बिकम अ ऑनेस्ट रिलायबल पर्सन तो निष्पक्ष होना चाहिए। जैसे कि चिंता रक्षित ने कहा है कि आपका मन सोच विचार निष्पक्ष नहीं है, पक्षधार हैं, तो आप कभी भी सुख शांति अनुभव नहीं कर सकता। तो इसलिए निष्पक्ष होकर संदेह कर सूक्ष्म परीक्षण कर कारण को खोजना चाहिए। कारण को देख जानकर प्रज्ञा से युक्त होकर अब करुणा उत्पन्न करना है, श्रद्धा उत्पन्न करना है। इसका अर्थ है कि बुद्ध के कथनों की परीक्षा करें, युक्ति संगत देखकर श्रद्धा करना अत्यंत आवश्यक है। विश्लेषण करते समय तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले बोला था, संशय पैदा होना चाहिए। बिना संशय के प्रश्न पैदा नहीं होंगे, प्रश्न नहीं हो तो परीक्षण नहीं हो पाएगा, बिना प्रश्न के उत्तर नहीं मिलेगा। अतः संशय करना बहुत जरूरी है। अभी धर्म कोश में कहा है कि संसार का मूल 6 अनुशय है। इस कथन के अनुसार 6 अनुशयों में से संशय को क्लेशात्मक होना चाहिए। सामान्य संदेह या संशय हो तो वह तेज या क्लेशात्मक होना जरूरी नहीं है। इसलिए कहने का मतलब है कि किसी चीज पर डाउट करना ये बुरा नहीं है, ये है कि नहीं है, हो सकता है नहीं हो सकता है, ऐसा पूछना डाउट है। डाउट होने से फिर प्रश्न पूछेगा, प्रश्न पूछने से फिर उत्तर मिलेगा, ये है। तो इसलिए आखिर में मैं एक बार और आप सबके प्रति धन्यवाद बोलूंगा, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि धन्यवाद इसलिए नहीं बोल रहे कि आप लोग मेरे कथन को सुन रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि अपने धर्म संस्कृति के बारे में आप लोग परिश्रम कर रहे हैं। धर्म को सच्चे मन से सच्चे दिल से परिश्रम करके अध्ययन करके अपने अंदर जो अच्छे गुण है उसको उत्पन्न करके अपने जीवन में दूसरों के जीवन में बहुत कुछ तुम दे सकता है। ये सुनहरा मौका है।
जितना गुण तुम दूसरों को बांटोगे उससे ज्यादा गुण अपने अंदर उत्पन्न होगा, अपने अंदर खुशी का अनुभव होगा। ये कोई सामग्री देना जैसे नहीं है, सामग्री और वस्तु एक ऐसी चीज है जो आप किसी को देने से अपना सामग्री जो है वो कम हो जाता है। जैसे कि मेरे पास एक घड़ी है, अगर वो घड़ी मैंने किसी को दे दिया तो मेरे पास घड़ी नहीं है अभी, ऐसा नहीं है। ज्ञान जो है, गुण जो है, उसको कितना भी तुम बांटेगा उतना ही तुम तरक्की करते जाओगे। करुणा बांटो, अगर बांटना है तो सिर्फ सामग्री नहीं, सामग्री भी कभी कभी बांटना पड़ता है, लेकिन ये लंबे अरसे तक चलने वाला समस्या को समाधान करने वाला चीज नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, अभी अब इसमें आपको प्रोजेक्ट भी लगा सकता है, उसको बोल सकता है कि सर यू नो widening द सर्किल ऑफ कंपेशन, widening द सर्किल ऑफ लव, widening द सर्किल ऑफ बोधचिता, widening द सर्किल ऑफ विजडम अंडरस्टैंडिंग शून्यता, और शेयरिंग कंपेशन, शेयरिंग लव, कितना सुंदर है। ये अंदर का ये गुण है, एक ऐसी चीज है, उसको एक बार उत्पन्न करने से कहीं भी तुम जाओ आपका सारा दोस्त वहां है, आपका दोस्त करुणा वहां है, आपका दोस्त सहनशीलता वहां है, आपका दोस्त विजडम वहां है। ये जो अंदर का गुण जो है वो कभी भी एक्सेस बैगेज नहीं बनता है, बाहर का सामग्री है वो एक्सेस बैगेज बन जाता है। जितना ज्यादा तुम लोगे उतना वजन बढ़ जाएगा, और अब जितना सामग्री आपके पास होगा उतना इनकम टैक्स से तुमको डर होगा, डकैता से डर होगा, बर्गलरी से डर होगा, चोर से डर होगा, है कि नहीं? मैं ऐसे बोल रहा है कि ठीक है ठीक है ना? तो इसलिए जो चीज गिन सकता है, जैसे कि पैसा गिन सकता है ना, वो हमेशा तुम्हारा साथ नहीं देगा। मित्र जो है वो गिन सकता है ना, अंदर का जो गुण है उसको सही माने में गिन नहीं सकता है, जो नहीं गिन सकता है, जो असंख्य है, जो अमूल्य है, जो सदियों तक चलने वाला है, इनका देखभाल करना चाहिए, इनका नर्चर करना चाहिए, इनका उत्पन्न करना चाहिए, इनको दूसरों से शेयर करना चाहिए। क्योंकि आजकल जब कोई हमारा जो हम आजकल जो जितना भी हमारे पास जो दुख तकलीफ जो जितना भी हमारे पास है वो ऑल कम फ्रॉम इनर पॉवर्टी, एक्सटर्नल पॉवर्टी से नहीं हुआ है, इनर पॉवर्टी, सोच विचार कमजोर, खाली दिमाग, ऐसा होने से ये सारा दुख दर्द COVID-19 से लेकर के जितना भी सारा दुख है वो ज्यादातर मनुष्य ने किया हुआ है। तो इसके विपरीत अगर हमने जितना भी गुण बौद्ध धर्म में कहा गया है इनको देखभाल करने से, नर्चर करने से, अपने अंदर उत्पन्न करने से, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, अपने अंदर उत्पन्न करने से, तब आपके पास जेन्युइन सुख शांति आपको प्राप्त होगा, फिर दूसरों को शेयर करने के लिए भी बहुत सारा कभी ना खत्म होने वाला गुण होगा आपके पास, ठीक है ना? तो इसलिए इस तरह के जो धर्म है इनको अध्ययन करने के लिए दिल से, तन मन धन से जोर लगाना चाहिए, खुश होना चाहिए। भगवान जाने कितना समय तक हम लोग इस तरह का धर्म का अध्ययन करने का मौका मिलेगा, तो अभी वक्त है ये। कल करे सो आज, आज करे सो अब। किसने बोला? पल में पल। हाँ
पल में प्रलय आ जाएगी, फिर करोगे कब? वो है, कबीर ने बोला है ना, जी कबीर ने, कबीर दास ने बोला सर जी, हाँ गिल ने, किसने? सुरदास, चलो किसने भी कबीर बोला, दास ने, कबीर दास, हाँ कबीर ने बोला है ना, कबीर दास, कल करे सो आज, आज करे सो आप, जगे हृदय सांच है तके हृदय आप। थैंक यू, सो आई विल स्टॉप हियर टुडे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गिशला। ठीक है गिशला, आपने अभी जो विश्लेषण की जो बात की है, और जो डाउट और जो जिस पे संदेह करना चाहिए, हर हर चीजों पे तर्क ढूंढना चाहिए, तो बड़ा अच्छा आपने हमें, ये पहली बार नहीं है कि आपने हमें इस तरह की के अच्छे अच्छे चीजों को समझाया है, पर ये आखिर भी नहीं है जो हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे गिशला, कि आपने हमारे लिए इतना समय दिया है। इससे पहले भी आपने, हमने जब भी आपसे निवेदन की है, आपने कभी भी मना नहीं किया है, और जबकि हमें पता है, मैंने खुद देखा है आपको हर जगह से, कहाँ से, मतलब बहुत जगहों से आपको जब इस तरह से निवेदन जब आते हैं, तो आप भी उनको एकदम से ले नहीं पाते हैं, और आपको बहुत बार मना भी करना पड़ता है, पर हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए आपको गिशला, आपने जो कष्ट दिया है हमारे लिए, तो उसके लिए इसको बोलता है पक्षपात। ना ना गिशला, पर आपने हमारे ऊपर कुछ सोच कर ही आपने ये जो हमारा हमारा जब भी हम निवेदन करते हैं आप लेते हैं, तो आपको हम मायूस नहीं होने देंगे गिशला। तो हम हमेशा कोशिश करेंगे कि आपके जो कहे हुए शब्द पे हम चलें, और जैसे आपने कहा था कि अवेकन का मतलब क्या होता है, कि जागना, जागरूकता होना बहुत जरूरी है, और भीड़ में वापस, तो भीड़ में तो हम जाना ही है, होता है कि चला वापस घुस जाते हैं उसी भीड़ में, पर कोशिश हम करेंगे कि इसमें खो मत जाओ। जी जी चला, बिल्कुल अब खोएंगे नहीं। और जैसे अभी आपने भी कहा था कि बाय बाय टाटा का मतलब भी मतलब जी, उसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हमें मन को भी लेके चलना है अभी इसके बाद, तो उसका आपने एक बहुत अच्छा हमें इंट्रोडक्शन आपने दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद किशला। मैं आज ज्यादा समय नहीं लेते हुए अभी फिर मैं आपसे थोड़ा सा कुछ शब्द कहना चाहूंगा, पर एक मेरे जहन में, दिल में मेरा एक सवाल था किशला, माफ करना मैं बाकियों को बिना पूछे मैं पहला सवाल मैं खुद शुरू कर रहा हूँ। और गिशला, जैसे शुरू में मैं आपका जो ये क्लास देख रहा था, मैं फेसबुक के थ्रू देख पा रहा था गिशला, तो लद्दाख में थोड़ा इंटरनेट का दिक्कत हो रहा था, तो वो काफी अच्छा था गिशला, मैं सवाल नहीं कर पाया। तो आज मैं एक सवाल जो शुरू से ही जो क्लासेस हो रहे थे उसी से जुड़ा हुआ है, और आज के विषय पर भी जुड़ा हुआ है गिशला। जैसे हमने जो धर्म की बात कर रहे थे गिशला आप बार बार, तो धर्म का जो हमारे, जैसे मुझे उसका अर्थ थोड़ा और समझना चाह रहा था गिशला, कि धर्म का मतलब क्या रिलीजन से जुड़ा हुआ है कि या कुछ और है, या तो रिलीजन से जुड़ा है तो रिलीजन का भी अर्थ क्या हो सकता है गिशला, और नहीं जुड़ा है तो उसका क्या है गिशला? धर्म का कम से कम मैंने सुना कि 80 से ज्यादा जी उसका मीनिंग है जी। तो लेकिन जो मतलब हमें समझना चाहिए वो है कि धर्म का, जहां तक मेरा नॉलेज अंडरस्टैंडिंग है, धर्म का मतलब है प्रकृति का नियम। धर्म जो रिलीजन का जो मतलब ये इसमें नहीं है, धर्म में धर्म का मतलब है प्रकृति का नियम। धर्म करे तो धर्म, उसका दूसरा अर्थ है कि धर्म करे तो धर्म, मतलब प्रकृति का नियम के मुताबिक जीवन चलना। या बौद्ध धर्म में जो जो कुछ करने के लिए बोलता है, जो कुछ नहीं करने के लिए बोलता है, उसको अपने जीवन में उतरना, धर्म करना। और धर्म का मतलब दूसरा मतलब ये है कि धर्म का मतलब किसी को नहीं गिरने देना। मतलब अगर आपने झूठ बोला तो गिर गया, दूसरे लोग भी तुम गिराओगे, खुद भी गिर जाएगा।
तो इसलिए धर्म बहुत धर्म कहते हैं कि झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, वो नहीं करने से तुम नहीं गिरोगे। तो इसलिए जो गिरने से तुमको बचाता है वो है धर्म, ठीक है ना। तो संक्षिप्त में ये है जी। ठीक जी गेशला, तो इससे गेशला मतलब कोई जो आजकल जो धर्म की बात मतलब आजकल भी नहीं, शुरू से बात जब चलती है धर्म को लेके काफी विवाद भी होता है, तो काफी इस पे जिक्र भी होता है गेशला। तो हमें जब आप बुद्ध धर्म की बात कर रहे हो, बुद्ध दर्शन की बात करते हो, तो हमें इसको जैसे मैं अगर बुद्ध धर्म से नहीं हूँ तो उसको मुझे किस हिसाब से लेना चाहिए गेशला, ये इसका क्या अर्थ रहेगा आपके प्रीचिंग को सोचने और सबसे पहले जो हमारा हिंदुस्तान में या इंडिया में जो धर्म का शब्द इस्तेमाल करता है वो जो रिलीजन के शब्द हम लोग अंग्रेजी में करता है, ये दोनों बिल्कुल सही मीनिंग नहीं है। क्योंकि जो रिलीजन के शब्द है उसमें फेथ ओरिएंटेड है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कर्ता पर श्रद्धा होना चाहिए, अनक्वेश्चनिंग फेथ टू द क्रिएटर, फेथ इज द सेंटर रिलीजन में, जो वेस्टर्न टाइप ऑफ रिलीजन जो हम लोग बोलते हैं। लेकिन धर्म में वो नहीं है। धर्म में जैसे कि आज भी मैंने बोला था कि जितने भी धर्म इंडिया में हुआ है, खासकर शुरुआत से, आजकल पता नहीं उसको भी फिर बहुत बड़ा डैमेज हो, कॉन्टेमिनेटेड हो गया। डायलॉग रिलीजन जैसे कि मैंने बोला था, द इंडियन रिलीजन्स इंक्लूडिंग हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, दे आर ऑल डायलॉग रिलीजन्स। डायलॉग रिलीजन मतलब प्रकृति के नियम के मुताबिक है या नहीं है, जो गुरु बोल रहे हैं वो है, सही है या नहीं है। इसमें जैसे कि मैंने आज बोला था, तो इसको प्रश्न करके, क्वेश्चन करके, जो सही माने में उसका जो मतलब है उसको खोजने के लिए एक रास्ता है धर्म। तो यही बौद्ध धर्म का भी यही है, क्योंकि वो शुरुआत में बोलता है कि दो सत्या प्रकृति का नियम है, शून्यता प्रकृति का नियम है, अनित्या प्रकृति का नियम है। अनित्या और दो सत्या जो शून्यता है वो बुद्ध भगवान आके थोड़ी बना था, उसके पहले भी अनित्या था, शून्यता उसके पहले भी था। लेकिन उस प्रकृति का नियम को हम लोग कोई नहीं देख रहा था, उसको समझने का कोशिश नहीं कर रहा था, इसलिए सारा गड़बड़ हो रहा था। इसलिए बुद्ध भगवान ने बोला कि प्रकृति के नियम को सीखो, इसको देखो, इसके मुताबिक चलो। जब हम प्रकृति का नियम के बारे में बोलते हैं, प्रकृति का नियम जो इंडिया में वो नहीं बोल रहे हैं, तिब्बत में वो नहीं बोल रहे, प्रकृति नियम जो हर जगत में है, परमानेंस सब जगह है, शून्यता सब जगह है, उसको हम गंभीरता से लेकर के ठीक से समझेंगे तो ये डिवीजन जितना भी हो रहा है ना, धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर, फैमिली के नाम पर, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमारा सोच विचार इतना बढ़ जाएगा कि इसमें कोई बांटवारा करने का सवाल उठता ही नहीं। जैसे कि कल शायद आपने अभी याद होगा, सुना होगा कि मैंने चिड़िया का वो नमूना दिया था। चिड़िया जब आकाश में उड़ता है तो एक ओर से आकाश उसका घर जैसे बन जाता है, लेकिन कभी भी वो आकाश के प्रति ग्रहण नहीं होता है, ये मेरा घर है, क्योंकि वो इतना विशाल है, कवरिंग द होल यूनिवर्स। इसको आप कैसे बोलेंगे ये सिर्फ मेरा घर है? जब मेरा घर है बोलने मतलब जैसे कि आपका घर है, मेरा घर है मतलब छोटा सा कमरा, दीवार लगा हुआ है, बांटा हुआ है ना, वो बांटा वाला नहीं होता है फिर। इसलिए बुद्धिचित्त जब हम लोग उत्पन्न करता है तब हम बोलता है कि समसत सत्व के लिए बुद्धता प्राप्त हो, ठीक है ना। तो एक बहुत बड़ा सोच विचार, विशाल सोच विचार, जिसमें सब के प्रति सबको समेट कर साथ में लेकर के आता है, ये धर्म है।
ओके धन्यवाद किशला धन्यवाद किशला किशला हम अपने क्यू एन ए सेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और अगला क्वेश्चन है टुंडुक नामगेल से, उन्होंने चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिख रखा था, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली अपना ऑडियो और वीडियो दोनों ऑन करके किशला से क्वेश्चन पूछ ले। टुंडुक नामगेल प्लीज। मुझे लग रहा है इनको शायद आवाज नहीं आ रही है, तो एक बार इशला मैं इनका क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूं। इनका क्वेश्चन है सिंस व्हेन देयर इज अ रिलीजियस स्पीच ऑफ ग्रेट लामा people rush to listen and see him. Though it's for the good cause for the visitors, yet they moreover than listening him get involved in having fun and doing lunch, kind of a little party. I just want to ask that though his eminence is giving good religious speech, yet most of the people are involved in other stuffs. Is there any demerit in it or is it okay to do so? Demerit to main nahi bol sakta hai, lekin usme aapko zyada fayda nahi milne wala hai. Ye hamara soch vichar hai har cheez mein. Main aajkal aksar kaha karta hu, jaise ki maine ye guru ka vardi pehen liya. Ye bhi ek jeevan chalane ka dhang hai. Agar theek se aap nahi sochenge. Jeevan chalane ka bahut sara dhang hai. कई आर्मी में यूनिफॉर्म पहन के जाता है, कभी मंदिर में यूनिफॉर्म पहन के जाता है, लड़का अपना यूनिफॉर्म, लड़की अपना यूनिफॉर्म, हेयर स्टाइल अलग अलग, ये जीने का ढंग है सब। लेकिन अभी जो मैं बोल रहा था धर्म के बारे में, वो अपने जो भी जिस तरह के जीवन अब चला रहा है, लेकिन आपका मन जो सोच विचार है उसको बदलना है, ठीक है ना, सोच विचार को बदलना है। तो इसलिए सिर्फ जैसे कि मैंने अभी बोला था, जो चार वर्ग के बारे में बोला था, उस वक्त में मैं बोला था कोई कोई गुरु कुछ उपदेश दे रहा है तो उसका गुरु का नाम या ख्याति जो फेम है उसको दे करके मत दौड़ो, नंबर वन। और उधर इसलिए भी नहीं जाओ कि सब जा रहा है, इसलिए मैं ये भी नहीं बोल रहा है कि सब जा रहा है इसलिए तुम मत जाओ, ये भी मैं नहीं बोल रहा है। सब जा रहा है लेकिन मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, फायदा होगा नहीं फायदा होगा, आपका मन तैयार है नहीं तैयार है, उधर जाके क्या करोगे, उधर जा करके थोड़ा अच्छा खाना खाया, चाय पिया, वो भी कोई गलती नहीं है। ये नहीं सोचना कि बुद्ध धर्म का प्रयास करने का मतलब दुख ही दुख झेलना, ऐसा नहीं है। वो हंस सकता है, नच सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जब धर्म का उपदेश सुनते वक्त ध्यान से सुन के, सुनने के बाद फिर आपको कुछ किताब लेकर के कुछ लिखना चाहिए, उसके बाद फिर आपको अपने आप को पूछना चाहिए कि आज मैंने क्या सीखा, इसको मैंने कैसे अपनाना चाहिए, किस तरह से मेरा जो मन जो है वो परिवर्तन करना चाहिए। जैसे कि जब परम पावन दलाई लामा जी कलचक्र देता है, कलचक्र अभिषेक देता है, तो हजारों के संख्या में आ जाता है, लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे होता है कि मैंने काला चक्र अभिषेक लिया, ज्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन ये पवित्र स्थान बोध गया में काला चक्र मिला, इसलिए मैंने आज से शराब पीना छोड़ दूंगा, आज से सिगरेट पीना छोड़ दूंगा, आज से झूठ बोलना छोड़ दूंगा। That is the way.
डिसीशन लिया है ना कुछ, तब फर्क पड़ता है आदमी। नहीं तो सोलो कई लोग ऐसे है कि मैंने 20 बार कल चक्र ले लिया, हाँ 21वीं बार कल चक्र ले लिया, ठीक है बहुत अच्छा है, लेकिन क्या पाया आपने, वो भी देखना चाहिए ना, वो देखना चाहिए, ठीक है ना। धन्यवाद गिशिला। गिशिला इनका क्वेश्चन काफी जेन्युइन था, मतलब होता है ऐसे टीचिंग्स में, मतलब होता है, हाँ होता है, वो होता है, होता है। काफी जेन्युइन क्वेश्चन था, मतलब देख रखा है वो गिशिला। अगला क्वेश्चन है सोनम रिजनला से, तो मैं सोनम रिजनला को रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली अपना ऑडियो ऑन करके गिशिला से अपनी क्वेश्चन पूछ लें। हेलो, कैन यू हियर मी? यस 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 यस। पिछले गिशिला अब सुन भी रहा है, अब देख भी रहा है मैं आपको, पिछले और पहचान भी लिया, पहले भी प्रश्न पूछा कई बार। जी 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 जी, मैं आपका वो यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी में उसमें भी था गिशिला। अच्छा अच्छा अच्छा, फ्राइडे टीचिंग। हाँ जी 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 जी। तो मेरा एक क्वेश्चन ये है, जैसे इथिक्स टू द न्यू मिलेनियम किताब है ना जी गुरु जी, जो उसमें लिखा है दलाई लामा जी ने चैप्टर नंबर 2 में बताया कि नो मैजिक नो मिस्ट्री में स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन के बारे में बताया था ना, तो उसमें उसमें जो स्पिरिचुअल रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी भी बताया, तो हमारे यहाँ पे ये होता है कि जैसे एक फेथ के बारे में या रिचुअल्स जो वज्रन है बुद्धिज्म में बहुत ज्यादा है ना गुरु जी, विदाउट नोइंग द मेन जो स्पिरिचुअल जैसे कंपेशन जो एम्प्टीनेस उनका कंटेम्पलेशन नहीं बिना किए हुए उनको मतलब यूज कर, मतलब विद द डॉगमा वो लोग फेथ में वो कर रहे हैं ना, वज्रन बुद्धिज्म मैंने देखा था रिचुअल्स बहुत ज्यादा है, तो ये हमारे करना जरूरी है क्या गिशिला, क्योंकि इसमें भी वो लिखा हुआ था कि एक संघ का मतलब बुद्ध धर्म तो ऐसा है कि दीपचीय विजय सिंह इसमें तो सिर्फ वो है कि हमारा माइंड को टेम कर, माइंड को कंट्रोल में रखना है माइंड जी, तो एक ये भी लिखा है कि बुद्ध धम्मपादा में भी वो लिखा हुआ जैसे छोटा ही की राशि थे Mind is the only one we have to control it. तो जो ये rituals हमारे इसमें ये आ रहा है कि बीच में जो लोग dogma की तरह मतलब as a faith practice कर रहे, is it feasible in or shall we practice it on a daily basis or क्या करना चाहिए? आपको पहले आपको एक प्रश्न पूछूंगा जी, और कुछ आपको याद है कि बौद्ध धर्म का प्रयास करने का मतलब है सबसे प्रथम अपने मन को इस्तेमाल करना है ना? यस यस के सर। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने मुंह भी मत दो, कपड़ा भी गंदा पहनो। जी जी हाँ, सबसे प्रथम सबसे प्रमुख चीज है वो मन है, बोल करके मुंह भी नहीं धोया, खाना भी नहीं खाया, कपड़ा भी ठीक से नहीं किया, ये तो नहीं चलेगा ना? बिल्कुल नहीं के सर। अभी तो रिचुअल्स भी जरूरी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो मन बदलना, ये बोल रहा है, क्योंकि जितना भी ये रिचुअल्स है सिर्फ रिचुअल करके सोच विचार कुछ नहीं, परिवर्तन कुछ नहीं, वो गलत है, लेकिन रिचुअल बेमतलब का नहीं है, उसका मतलब होने से मतलब जानने से मतलब बोध है। और एक जो ऑर्डिनरी पीपल है उनको शुरू शुरू में धर्म को धर्म में ले जाने के लिए कुछ देखने के लिए भी चाहिए, कुछ सुनने के लिए भी चाहिए। अब हमने अगर बोल दिया कि कुछ नहीं देखना कुछ नहीं सुना सब मिला रेबा की तरह बन जाओ, मुझे शत प्रतिशत विश्वास है कि कोई नहीं आएगा, फिर मुश्किल से 3-4 लोग आएगा। शुरुआत से हम लोग सबका मन इतना डिसाइसिव नहीं होता है, तो इसलिए कुछ दिखा के कुछ सुना के है ना, फिर मंदिर पर आके कुछ मंदिर में जाके कुछ देख के मूर्ति को देख के है ना, फिर धीरे धीरे मंत्र का मतलब क्या है, उस जो मूर्ति तुमने देखा उसका मतलब क्या है वो प्रश्न पूछ के फिर गहराई में जाके फिर सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो मन बदलना है, इसका मतलब ये है।
ठीक है ना। लेकिन आपका प्रश्न सही इसलिए है कि अगर इन चीजों में बाहरी के जो चीज है उसमें आपको दिलचस्पी नहीं है तो जरूरी नहीं है इनको करना, मन परिवर्तन करने में ही अब लग जाओ, ये सही ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन सब लोग ऐसा नहीं हो सकते, ठीक है ना। फिर गेशेला जो जो एन एंशिएंट टाइम जो बुद्धिज्म डिक्लाइन हुआ था एज अ थर्ड स्टेज पे, मतलब थर्ड स्टेज ऑफ बुद्धिज्म में, डिजेनरेशन बुद्धिज्म में, उसमें बुद्धिज्म डिक्लाइन होने का एक कारण ये रिचुअलिस्टिक उस पे पाथ पे एक था, एक वन ऑफ कॉज। सिर्फ रिचुअल नहीं है, क्योंकि रिचुअल आ गया फिर उसी में रिचुअल में जाके जो गहराई से नहीं सोचा इसलिए हो गया ना, सिर्फ रिचुअल नहीं, रिचुअल का मतलब है इन दैट वे। मतलब हमारे अभी तुम देखो, मैं एक प्रश्न दूसरा पूछूंगा, मंदिर जो है सही मंदिर जो होते वो मन में होना चाहिए, ठीक है ना, बाहर का मंदिर नहीं चाहिए। जो सच्चे दिल से अगर जो धर्म प्रयास करने वाला है, लेकिन मंदिर चाहिए ना, संस्था चाहिए ना, एक जगह चाहिए ना। तो बाहर जो वस्तु है उसको ठीक से इस्तेमाल करने से वो बाधक नहीं बन जाता है, हम लोग उसको गलत इस्तेमाल करता है। जो बाहरी का चीज कंस्ट्रक्शन हुआ वही है सब कुछ है सोच करके, फिर अध्ययन नहीं करता, अपने मन को परिवर्तन करने के लिए चेष्टा नहीं करता, ये हमारा गलती है। जैसे कि शरीर और मन दोनों साथ चलना है ना, उसी तरह उसको एक फैसिलिटी के रूप में रहना चाहिए, लेकिन फैसिलिटी में ही नहीं खो जाना चाहिए। एक छोटा सा गेशेला प्लीज, वो था गेशेला, एक रिचर्ड डेविसन ने वो बताया था कि द न्यूरो साइंटिस्ट, उन्होंने बताया था कि कंपैशन एज अ एंटी इंफ्लेमेटरी हम यूज कर सकते हैं। तो गेशेला इस पे कमांड करके हमें कुछ सिखा दीजिए प्लीज, सो दैट वी कैन प्रैक्टिस इट। कंपैशन नहीं, अंदर का जो सोच विचार, अच्छे सोच विचार का गुण है, जैसे कि सहनशीलता है, कंपैशन है, मैत्री है, इनको सही ढंग से, सही दिल से इनको अपनाने से, उत्पन्न करने से घबराहट नहीं होता, घबराहट कम हो जाता है ना, फियर्स जो होता है, डर जो होता है वो कम हो जाता है जी। ये सब कम होने से फिर शारीरिक तौर पर बदलाव आ जाता है, फिर आपका मुंह भी चमकने लगता है। मैंने खुद खुद सूत्र में पढ़ रहा, बुद्ध भगवान के महायान सूत्र में मैंने खुद पढ़ा। हम लोग क्या करते हैं, अंदर का सोच विचार कुछ भी नहीं, परिवर्तन नहीं करता, बदलता नहीं, बाहर में काला पीला सब लगा रहता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। बुद्ध भगवान ने खुद महायान सूत्र में लिखा कि आपका सोच विचार शांतिपूर्ण करुणाशील होने से आपका जो चैनल्स हैं, नारी हैं, इनके अंदर का जो वायु है वो ठीक से चलेंगे, वो ठीक से चलने से उसके साथ रक्त जो है, खून जो है वो भी ठीक से बहेंगे, वो ठीक से बहने से वो रक्त जो है पूरा शरीर में जाएगा, आपके आपके मुंह में भी जाएगा, उधर होने से फिर ये रंग आ जाता है ना। ये लॉजिक तो है, अभी ये साइंटिफिकली इट इज प्रूव्ड। धन्यवाद गेशेला। एक क्वेश्चन आ रखा है गेशेला फेसबुक लाइव में अभी, इनका नाम है छोपल बोध। तो गेशेला ये पूछ रहे हैं कि बौद्ध धर्म में कर्म कांड का कितना महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ कर्मा। सरल भाषा में आपका आपका प्रश्न ऐसा लग रहा है जैसे कि खाने के लिए कर्म कितना जरूरी है, आपके खाने जो भोजन है इसके लिए अगर कम नहीं करने से, कर्म नहीं करने से भोजन थोड़ी आ जाएगा आपके टेबल में, परिश्रम करना पड़ता है ना खाने के लिए, कपड़े के लिए, बच्चों को देखभाल करने के लिए कर्म करना पड़ता है ना, इधर उधर जाना पड़ता है ना, तब भी मिलता है ना। तो यही बोल रहे हैं, अगर आपको अच्छे अच्छी चीज या कपड़ा हो या खाना हो या अंदर का गुण हो उसमें आकर को परिश्रम करने से, कर्म करने से उसका फल मिलेगा, नहीं करने से नहीं मिलेगा। तो कर्म करना तो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि धर्म का प्रयास करो, अध्ययन करो करो, सिर्फ मंत्र पढ़ने से नहीं होगा, फल नहीं मिलेगा। सिर्फ मंत्र करके बैठो, कोई खाना देता है तुमको? यूनिवर्सिटी में मत जाओ, स्कूल में मत जाओ, काम करने दफ्तर में मत जाओ, सिर्फ मंत्र करके बैठो। शायद अब साधु जैसे बन जाएगा तो थोड़ा कुछ देने वाला मिलता होगा, बाकी ऐसे नहीं मिलता है, मेहनत करना पड़ता है, ठीक है ना? ओके जी केशला, यही आज के पूरे कार्य मतलब प्रोग्राम का आखिरी सवाल था। केशला, अभी आखिर में मैं हम सब के तरफ से जितने भी यहाँ पे बच्चे जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जॉर्डन बूटिया है, तेंजिन लोदिन जी हैं, और हमारे स्तंजिन रबजम जी, स्तंजिन रिंचिंग जंगचुक, और सोनम रिक्जिन अंगो, स्तंजिन दाऊद इनाले जुड़े हैं, और तेंजिन नोरजोम जुड़े हैं जी, ताशी राफ्तन जुड़े हैं, स्तंजिन स्कालजंग, स्तंजिन नोरगू, और कीर्तन जी जुड़े हैं, और उसके साथ दीचिन जी जुड़े हैं, रिक्जिन जी और प्रताप सिंह जी जुड़े हैं, और हमारे यहाँ पे स्तंजिन छोरोल सिरिंग लामो कृष्णा थापा जी जुड़े हैं, और पेमा डोलमा जी, सोनम यांगडोल, स्तंजिन डोलमा, और यश जी, खेनरब जी, और भी काफी यहाँ पे सदस्य जुड़े हुए हैं, और हम सबके तरफ से, और हमारे ऑर्गेनाइजर टीम जैसे मेन तो हमारे थापा जी, हम सबके तरफ से गिशला को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। गिशे लागदोल्ला जी, धन्यवाद। जैसे अभी आप सबको याद होगा, जाते जाते मैं एक शब्द गिशला का दोबारा से दोहराना चाहूंगा, और जाते जाते आप लोगों को एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि गिशला जो है, गिशे लागदोल्ला, तो ऐसे गेशे और ऐसे लामा और ऐसे स्कॉलर आजकल के समय में मिलना हम सब के लिए मुश्किल है, और हमारे लिए तो खासकर बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है, और ऐसे समय में ऐसे गेशे है भी नहीं हमारे, अभी बहुत कम हैं, और गेशेला का मतलब, गेशे लारंपा का मतलब आप लोगों को पता होगा, गेशेला ने जो पीएचडी एक हमारे बुद्धिस्ट टिबेटन बुद्धिज्म में जो हाईस्ट डिग्री होता है उसको गेशे लारंपा कहा जाता है, पीएचडी इक्विवेलेंट कहा जाता है, जबकि उससे भी मुझे लगता है हायर है, काफी पढ़ना पड़ता है उसमें, काफी साल लगता है, जितना पीएचडी में भी नहीं लगता है। तो गेशेला दलाई लामा जी के इंग्लिश ट्रांसलेटर भी रह चुके हैं, अभी एलटीडब्ल्यू के डायरेक्टर भी हैं, तो साथ ही साथ गेशेला आपका, आपको स्कॉलर होने का जो कहने की जरूरत नहीं है, जैसे आज आपको सुन रहे थे हम, काफी क्लासेस आपसे लिया, तो आपका हिंदी भी बहुत अच्छा था गेशेला, और आपका इंग्लिश तो अच्छा है ही है जी जी, बहुत 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 शब्द मुझे नया सीखने को मिला गेशेला सच में ना, और हमें सबको सीखने को मिला होगा, और शब्द के साथ साथ बहुत कुछ सीखने को मिला, बुद्धिस्ट फिलोसफी सीखने को मिला, पर ये हमें एहसास होता है कि आपका खाली बुद्धिस्ट फिलोसफी में ही खाली, आपको उसी में मास्टर नहीं हो, जबकि आपने बिजनेस की बात की थी, तो मैं जब LTW आया था मैंने देखा था, जैसे LTW मैं हर जगह जाता हूँ, तो आजकल भी मैं सोचता हूँ जिस हिसाब से LTW लाइब्रेरी ऑफ टिबेटन वर्क्स इन आर्का, आप लोग भी जब धर्मशाला जाएंगे तो आप जाइएगा एक बार, गेशेला का ऑफिस देख के आइएगा, तो काफी अच्छा है वहाँ पे, जैसे आपका पब्लिकेशन को ही अगर लेके चलेंगे तो इतना ज्यादा पब्लिकेशन तो मैंने आज तक कभी देखा नहीं है, शायद मैं कभी गया नहीं हूँ इस वजह से भी हो सकता, पर जितना मैंने देखा है आज तक इतना ज्यादा मैंने देखा नहीं है, वहाँ पे हर लैंग्वेज में होता है, चाइनीज में होता है, पूरा डिपार्टमेंट अलग 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 खुला हुआ होता है, और आपका मैं जब भी फेसबुक देखता हूँ हर महीने में कोई ना कोई बुक पब्लिश हुआ होता है, पब्लिश हो रहा होता है, तो मतलब हमें आप जिस हिसाब से आप पैसे कमाने की बात कर रहे हो, अगर कोई करना चाहता है होता तो अगर एक चीज में भी अगर ध्यान देते हो तो उसमें सच्चे दिल से देते हो तो मुमकिन है जी, पर हमारे जिंदगी में हम ऐसा है कि हम एक चीज पे ध्यान नहीं लगाते हो, हर जगह भटकते रहते हैं, और हमारा मन भी उस कल्याण लोक कल्याण के बारे में भी नहीं होता है, तो अपने लिए ही होता है, उस वजह से हम कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में भी, अपने पैसे कमाने में भी मुझे लगता है कि हम काफी पीछे रह जाते हैं, तो गेशेला आपसे बहुत कुछ सीखने को है, तो
गिशला, क्या क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुन रहा है। अच्छा, हमें लगता है शायद टशी का नेटवर्क या फिर इंटरनेट थोड़ा वीक होगा। वैसे लद्दाख में काफी वीक चल रहा है, तो इसी वजह से शायद उनका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया होगा। गिशला, अंत में मतलब हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद गिशला, आप एक महीने आपने मतलब आपका इतने बिजी और हेक्टिक शेड्यूल से आपने इतना लंबे समय तक मतलब ना आपने हमें वो दिया, अपना वक्त दिया, और मतलब आपने अपने हेक्टिक शेड्यूल से काफी टाइम डेडिकेट किया हमारे एक छोटे से प्रोग्राम के लिए। मतलब एक जो इनिशिएटिव था हमारे ऑनलाइन फिलोसफी कोर्स का, तो टाशी वापस आ गए हैं ऑनलाइन, उनको कंप्लीट करने देते। जी, मुझे ज्यादा कुछ शब्द कहना नहीं है गेशला, आपको बस धन्यवाद करना चाहता था। तो फिलहाल तो यहाँ पे ऑनलाइन हो रहा है, तो आपको एक हद तक भी हम भेंट नहीं कर पा रहे हैं, आपको चढ़ा नहीं पा रहे हैं, पर हम सारे पार्टिसिपेंट्स एक खतक, सोने का खतक मन में सोच के मतलब जब आपसे मिलते हैं तो हम एक साधारण सा खतक ही दे पाते हैं, पर अभी हम चाहेंगे कि मन में सोच के एक सोने का खतक आपको भेंट करे गिशला, तो हमारे तरफ से आप स्वीकार कीजिएगा हम सबकी तरफ से। तिब्बत में एक स्टोरी है जी गिशला, एक साधारण आदमी किसी गुरु से अभिषेक लेने के लिए आ गया था, बहुत श्रद्धालु था वो, तो उसने सोना लेके आया था साथ में जी। तो गुरु जी ने अभिषेक देते वक्त कुछ समय में वो खड़ा होकर के सबके सिर पर उसने वो जो अभिषेक का सामग्री उसको रखा, तो कुछ लोगों को सामने वाले बैठने वाले कुछ लोगों के सिर पर रख करके फिर अपने गद्दी पर बैठ गया, जिसने सोना लेके आया था उसको नहीं टच किया। तो गुरु जी ने बोला कि जैसे कि परम पवन जी भी कभी कभी बोलता है ना कि सबको वक्त नहीं, सबको टच नहीं कर सकता, तो इसलिए मन से सोचो कि तुमको वो टच हो गया, अभिषेक मिल गया, ऐसे सोचो। तो वो बेचारा जो बड़ा जो श्रद्धा लेकर के वो सोना लेकर आया था, उसका मन संतोष नहीं हुआ। अच्छा, तो सब सोचने से हो जाता है, तो ये जो सोना में आपको देने के लिए लिया है वो सोचो आपको मिल गया, बोल करके अपने पॉकेट में वापस डाल के चला गया। तो ऐसा कर रहा है ना आज आप तुम। मेरे पास तो देने के लिए है नहीं गेशला, अंदर भी नहीं है, इसलिए हम आपको बस सोच के ही दे पा रहे हैं। आपको तो अगर सोना सच सच का भी सोना दे भी दे तो वो भी कम पड़ जाएगा गेशला। नहीं नहीं नहीं, ऐसे मजाक। जी जी ठीक है, बहुत अच्छा। आप किसी पार्ट जी जी गेशला, धन्यवाद गिशला, बहुत समय दिया आपने, हमेशा से समय दिया है। और अभी थापा जी आप कह रहे थे, अगर आप में से किसी भी पार्टिसिपेंट्स को अगर आप अपने तरफ से गिशला को एक दो शब्द कहना हो आप सब कह दीजिएगा, तो फिर ये आप सारे पार्टिसिपेंट्स, और हाँ आपने हमारे ऑर्गेनाइजर्स में यश थापा जी और गेन संगडुप जी अच्छे लुपसंग वंगमू जी और थापा जी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कष्ट किया, आपने ये इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया, और बिना गिशला के तो हमारा ये प्रोग्राम होना भी नहीं था, वो सक्सेसफुल होना भी नहीं था। हम उम्मीद करेंगे कि हम आपसे आप सब भी सभी पार्टिसिपेंट से जुड़े रहेंगे, और भी हम काफ़ी सारे प्रोग्राम्स को लेके आ रहे हैं। तो हमारा मेन मकसद इस प्रोग्राम का एक एकेडमिक प्रोग्राम बनाने की हम कोशिश करते हैं, जितना भी हो कि इसको एक ज्ञान के तौर पे आप लिया जाए, बाकी अपने जिंदगी में इसको उतारा जितने जितना ज्यादा हो सके आप उतार के इसको इस्तेमाल करके अपने फायदे की और जन कल्याण के फायदे के लिए आप इसको इस्तेमाल कीजिए। और बाकी मैं आप थापा जी को रिक्वेस्ट करूंगा और आप सबको निवेदन करूंगा कि आप अपना माइक भी ऑन करके आप अपनी तरफ से एक दो शब्द कहना चाहें तो कह दीजिएगा। धन्यवाद जी। थैंक यू, धन्यवाद। मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी को भी गिशला के लिए कुछ कहना है या फीडबैक या आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये 1 month जो हमारा पूरा फिलोसफी कोर्स था उसके रिगार्डिंग, या गिशला को थैंक यू भी कहना हो, तो आप प्लीज अपना ऑडियो ऑन करके वीडियो ऑन करके आप गिशला को कह सकते हैं। थापा जी, कैन आई से समथिंग?
जरूर, यस श्योर, आप जरूर बोल सकते हैं प्लीज। गेशेला प्रणाम, मैं मधु बोल रही हूँ हैदराबाद से। और गेशेला बिल्कुल ऐसा लगा कि हम आपके पास हैं और आपका स्नेह आपका प्रेम हमारे सबके लिए आशीर्वाद बना रहे, और आपने जो हमको ज्ञान दिया है हम उस रास्ते पे चलते रहे और हम प्रयास करेंगे। और इतनी प्यारी हिंदी, सच्चे दिल से बोल रही हूँ, इतनी प्यारी हिंदी मैंने पहली बार सुनी है, बहुत आनंद हुआ गेशेला, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। और कोई हो जिनको कुछ कहना हो गेशला से, फेस टू फेस आप कह सकते हैं, पर हाँ गेशला आपकी हिंदी तो गेशला सच में अच्छा था गेशला, मतलब ना गेशला मैं अपना ये बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमें आपसे सुनने को मिल रहा है हमें इसलिए अच्छा लगता है कि बाकी हम लामा जी से सुनते हैं तो प्योर टिबेटन में बोलते हैं या छुस्कात में बोलते हैं, तो आपसे हमेशा मुझे इसको या तो प्योर हिंदी में मैंने सुनने को मिला या इंग्लिश में सुनने को मिला। और जितने भी आपके वीडियो थे सर पुराने जो लाइब्रेरी के जो 2000 मतलब आज से 2012 में हैं, हम उनसे सीखते हैं रोज। जिस तरह से आपके यहाँ पे डायरेक्ट ऑनलाइन जिनके थ्रू हमें मिला उनका भी धन्यवाद, आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद गेले। तो बस यही बोलना चाहूंगा गेले, आप इसे हमारे साथ बने रहेगा। थैंक यू गेशेला, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। तशुकली गेसेला, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं तिब्बत हाउस में स्टूडेंट हूँ अभी, तो मैंने आज से पहले इस कोर्स से पहले आपका नाम तो कभी सुना नहीं था पहले। बस एक बार एक मेरी दीदी कहता मैं उन्हें, वो JNU में PhD करी बुद्धिज्म में, तो उन्होंने आपके आपके बारे में जिक्र किया था। तो मुझे इतना नहीं पता था कि आप इस तरीके से हिंदी में सिखाते, उन्होंने बताया था कि गेशेला है वहाँ पे टिबेटन आर्काइव एंड लाइब्रेरी में। पर आज इस कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपकी हिंदी सुनने के बाद मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, और मैं यही बस आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने जिस सरल तरीके से जैसे आम जीवन में होने वाली घटनाओं को जोड़ के एक उदाहरण दे के हमें जो धर्म का मार्ग दिखाया है, धर्म सिखाया है, उस पे वो आगे जाके जिंदगी में बहुत ही लाभदायक और लाभकारी होगा सबके लिए, और उस पर चलने की पूरी कोशिश करेंगे। इन सब चीजों के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ गेशेला, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा थपा हो गया, अभी थपा का लाइन टूट गया ऐसे लग रहा है, थापा का भी लाइन टूट गया लग रहा है गेशेला, थापा भी नहीं आ रहा अभी। कोई बात नहीं, अभी समाप्त कर दो जी। जी गेशेला, फिर गेशेला फिर से धन्यवाद गेशेला, फिर मिलते रहेंगे धर्मशाला में मिलेंगे, और सबको धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। कठिन छे गेशेला, तुझे छे ना, तुझे नाम गेशेला। थैंक यू गेशेला, थैंक यू सो मच। थैंक यू गेशेला, जेशिन दिशे सो गेशेला। चलो आप सबको धन्यवाद जी, थैंक यू, थैंक यू, जी 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 जी, थैंक यू। मिलेंगे कभी आप आई, जो लद्दाख से नहीं है कभी लद्दाख आएंगे तो हमें संपर्क कीजिएगा, मिलेंगे जी। तो फिर कोशिश रहेगी कि आपके लद्दाख आए और आपसे मिले। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। और बहुत बहुत जो लद्दाख से हैं वो तो जुड़ते रहिएगा प्लीज। हाँ ओके, थैंक यू तुजना। चलो जी, थुक जी छे छमला थैंक यू सारे पार्टिसिपेंट्स, धन्यवाद। मेरा इंटरनेट वीक था तो इसलिए मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी वापस आया थोड़ा फ्रेश इंटरनेट कनेक्शन से, शायद लेट आ गया गेशेला, तब तक चले गए। वेलकम वेलकम थापा आपको।